दोस्तों मैं आज फिर से आ गया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैटर बहुत सीरियस है। हम सुबह से लेकर रात तक जो भी प्रोडक्ट यूज करते, जो भी काम करते, जो कुछ भी करते, उसमें से लगभग 100% हम गूगल पे सर्च करते हैं, और गूगल का जो सर्च रिजल्ट्स आता है वही उसके ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, क्लिक करते हैं, वहां पे ही सब कुछ करते हैं। तो दोस्तों ये जो सर्च है इसमें हम लोग किचन का सामान से लेके मोबाइल टैब तक सब कुछ सर्च करते हैं। कहीं पे जॉब ढूंढना है, जॉब का एग्जाम देना है, कुछ भी हो गूगल पे सर्च करते हैं। कहीं पे इन्वेस्ट करना तो गूगल पे सर्च करते, दवाई वगैरह गूगल पे सर्च करते हैं, मतलब कि बैंक का डिटेल्स हो या किसी कंपनी का फोन नंबर हो, कुछ भी हम गूगल पे सर्च करते हैं। दोस्तों ये जो सर्च रिजल्ट्स है, क्या ये जो दिखाता है आपको गूगल सर्च के बाद, क्या ये सिक्योर है? क्या इसमें जो रिजल्ट्स आता है उसके ऊपर जो आंख बंद करके आप विश्वास करते हैं, वो क्या आपके लिए सिक्योर है? दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इसी मैटर के ऊपर है। आज हम बात करने वाले इसी मैटर के ऊपर के ये जो सर्च रिजल्ट्स ये कितना सिक्योर है आपके लिए। तो वीडियो जो है वो बहुत सीरियस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं मेरा टेक्निकल यूट्यूब चैनल टेक्नोसिटी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना बनाते रहता हूं। दोस्तों पहला जो बात है, गूगल में हम सर्च करते हैं, सर्च के बाद जो रिजल्ट्स आता है हमारे पास उसमें टॉप में जो रहता है, हम सोचते हैं कि नहीं ये ही प्रॉपर है, किंतु एक्चुअली दोस्तों क्या वो प्रॉपर होता है? क्या जो रिजल्ट्स फ्रंट पेज में आता है वो क्या सही होता है? दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, गूगल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया, उस बात नहीं कर सकते हम लोग गूगल के सिक्योरिटी सिस्टम को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम उसका लगाया हुआ है। पर गूगल जो सर्च करता है वो उसी मैटर के ऊपर सर्च करता है जो आप लिख के सर्च करते हैं, तो उसी का रिजल्ट जो है वो इंटरनेट से वो इकट्ठा करके आपके सामने दिखा देता है। बस उस वो ऑथेंटिक है कि नहीं, कुछ वहां पे कुछ झोलझाल है कि नहीं, वो गूगल देखता नहीं है। ये एकदम क्लियर कर देता हूं आपके सामने, गूगल का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि उसके रिजल्ट्स में जो आ रहा है वो प्रॉपर चीज आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। अगर उसको लेके कुछ ज्यादा कुछ होता है तो गूगल इसके लिए स्टेप लेता है, पर तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तो दोस्तों पहला जो है, पहले मैं बताना चाहता हूं नेट बैंकिंग का जो है। दोस्तों हम क्या करते हैं, गूगल पे नेट बैंकिंग का सर्च करते हैं, बैंक ढूंढते हैं, बैंक का फोन नंबर ढूंढते हैं, बैंक का एड्रेस ढूंढते हैं गूगल पे। दोस्तों ये जो सर्च है बैंक को लेके, मैं आपको बता रहा हूं ये कभी मत कीजिएगा गूगल पे बैंक का फोन नंबर, बैंक इंटरनेट बैंकिंग का सर्च जो भी है वो मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरनेट जो है उसको अच्छे से नहीं जानते। इंटरनेट में जो URL होता है वो अच्छे से ज्यादातर हम लोग फॉलो नहीं करते। जैसे सोच लीजिए एक्सिस बैंक जो है, बैंक या जो भी एक्सिस बैंक हो, ICICI बैंक हो या HDFC, HSBC जो भी बैंक हो, बैंक का जो URL होता है वो एक स्पेसिफिक URL होता है, तो वो अगर आपके सामने खुलता है तो आप पहला जो स्क्रीन है वो देख के आप समझ नहीं पाएंगे वो एक्चुअल बैंक का पेज है या किसी दूसरे पेज का। सोचिए जैसे मैं एक्सिस बैंक का बोल रहा हूं, www.axisbank.co.in। अगर दोस्तों इसमें अगर ऐसा आ जाता है www.xyz.axisbank.co.in, तो दोस्तों ये हो सकता है ये एक्सिस बैंक का कोई साइट नहीं है, एक्सिस बैंक का कोई पेज नहीं है। कुछ स्कैमर्स होते हैं, कुछ हैकर्स होते हैं जो ऐसा पेज क्रिएट करके रखते हैं। इस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशिंग पेज, फिशिंग वेबसाइट। तो एक्चुअली इसको फिशिंग वेबसाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे हम पानी से मछली पकड़ते हैं वैसे ये वेबसाइट भी अपना चारा डाल के मछली पकड़ता है। मछली कौन है? आप, मैं और हम सब। तो दोस्तों अगर ये साइट ये काम कैसे करता है मैं बोल देता हूं। सोचिए आप बैंक का URL टाइप किए, आपको अगर पता है सही से तो ठीक है,
और अगर आपको सही से नहीं पता आप गूगल पे जाके सर्च कर लिए, वहां पे आपको एक पेज ओपन हुआ जहां पे इंटरनेट बैंकिंग का बहुत सारा लिंक्स है, तो आप ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर दिए तो आपका क्या हुआ, बैंक का जो पेज है वो ओपन हो गया आपके सामने। अभी क्या है, अभी आप उसमें इंटरनेट बैंकिंग का यूजर डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, डाल के क्लिक कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं तो लॉग इन नहीं हो रहा है, बाद में कुछ एरर मैसेज आपको दे दिया, देखे वहां से आप नेट स्लो है वगैरह वगैरह सोच के आप बंद करके चले गए। अभी क्या होता है, अभी एक दो दिन के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आने लगता है आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है, पैसा कट रहा है, पैसा कट रहा है। तो दोस्तों ये हुआ क्या, आपने जिस वेबसाइट पे अपना यूजर आईडी और लॉगिन डिटेल्स डाला हुआ था, पासवर्ड वगैरह सब कुछ डाला हुआ था, वो एक्चुअली उस बैंक का वेबसाइट था ही नहीं। क्या होता है, फिशिंग साइट वाले या जो हैकर्स है वो अपना जो बैंक का पेज बनाते हैं वो एग्जैक्टली बैंक के जो पेज रहता है उसी के जैसे बनाते हैं, तो आपको देख के पता नहीं लगेगा कि हाँ ये बैंक का पेज है या किसी फिशिंग वेबसाइट है। आप जब डाल के निकल आते हैं तब एक दो दिन बाद आपको पता लगता है कि नहीं आप मछली बन गए, वो लोग चारा डाल के आपको फंसा लिए। तो इससे आपको सिक्योर रहना है। कैसे सिक्योर रहेंगे आप, सिक्योर रहने के लिए आपको बैंक का जो प्रॉपर यूआरएल है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पता है तो जिसको पता है उसको उसके साथ बैंक इंटरनेट बैंकिंग को यूज कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा उसके साथ आप अपना यूजर पासवर्ड शेयर कीजिए, पर यूआरएल जो है वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बैंक अकाउंट का आईडी जो है, पासवर्ड जो है, वो किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, बैंक से भी ये बोला जाता है पर ज्यादातर लोग कहां मानते हैं दोस्तों, तो उन वो लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये था फर्स्ट वाला मैटर। सेकंड वाला मैटर है जो, वो है ये जो हैकर्स है जो और स्कैमर्स है, इनका डायरेक्ट टारगेट रहता है गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर। गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर ही क्यों रहता है, क्योंकि ये जो है इस वेबसाइट में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लाइसेंस वगैरह सब कुछ के लिए अप्लाई करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह जो कुछ भी रहता है सब कुछ में आप एप्लीकेशन डालते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या रहता है, आपका पर्सनल डिटेल जो है, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फोन नंबर, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग एक एप्लीकेशन बॉक्स में, एप्लीकेशन की जो फॉर्म आता है उसमें फिलअप करके आप डाल देते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, यहां पे आप जब गूगल पे सर्च करते हैं, पहला जो मैं बोला था वो बैंकिंग का था और ये नॉर्मल वाला दूसरा वेबसाइट है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप उसी वेबसाइट को देख रहे हैं पर एक्चुअल में शायद वो वेबसाइट म्यूनिसिपैलिटी का हो या जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट का हो उसका वेबसाइट है ही नहीं। तो वहां पे आप अपना पर्सनल डिटेल्स डाल दिए तो क्या हुआ, पर्सनल डिटेल्स जो है वो हैकर्स के हाथ में चला गया। अभी वो आपका जो पर्सनल डिटेल्स है उसका मिसयूज कर सकता है आपके अगेंस्ट में, तो आप इससे प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसको आप कैसे देखेंगे, गूगल पे आप अगर सर्च कर रहे हैं तो उसको आंख बंद करके यूज मत कीजिएगा, वो उस वेबसाइट को थोड़ा सा और देखिए, अंदर पे जाके देखिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जितना भी कुछ डिटेल्स दिया हुआ है वो सब कुछ देखिए अच्छे से। अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है तो उसको जो जानता है, अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है तो इसको क्रॉस चेक कीजिए। क्रॉस चेक करने के बाद अगर आप श्योर होते हैं उसी के बाद अपना जो पर्सनल डिटेल्स है वो ऐसे वेबसाइट में डाला कीजिए। दोस्तों कोई भी वेबसाइट जो है आज के दिन डेट पे वो एकदम सिक्योर नहीं है दोस्तों। एक्चुअली ये जो बैंकिंग का वेबसाइट और ये जो वेबसाइट बोले, एक्चुअली इस वेबसाइट पे एसएसएल सिक्योरिटी लगाया हुआ रहता है। एसएसएल सिक्योरिटी आपको कैसे पता लगेगा, एसएसएल सिक्योरिटी मतलब ऊपर में जहां पे यूआरएल आता है वहां पे, यूआरएल ओपन होने के बाद में आप देखेंगे वहां पे सिक्योर लिखा हुआ आता है, एचटीटीपी कुछ आता है और एचटीटीपीएस कुछ आता है। एचटीटीपीएस जो आता है वो सिक्योर होता है दोस्तों। वहां पे अगर आप क्लिक करते हैं तो कौन से कंपनी का कौन सा एसएसएल सिक्योरिटी, एसएसएल सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। एक्चुअली आप जो ये एक्चुअली वेबसाइट पे क्यों लगाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं तो आप क्लियर रहेंगे।
एक्चुअली SSL सिक्योरिटी इसीलिए लगाया जाता है कि आप जो डिटेल्स, जो डेटा, जो यूजर, जो पासवर्ड आप एंटर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे और भेज रहे हैं उस वेबसाइट पे, वहां पे जो आपका डिटेल्स बीच में जा रहा है वो इनक्रिप्टेड होके जा रहा है, उसको डिकोड करना किसी भी हैकर के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है जब SSL सिक्योरिटी लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों ऐसे वेबसाइट से थोड़ा सा बच के रहिएगा। तीन नंबर पॉइंट जो है वो है, गूगल के सर्च में कभी भी किसी कस्टमर केयर का नंबर सर्च करना बहुत ही बेवकूफी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अगर आप किसी कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हैं तो वहां पे ज्यादातर गलत नंबर दिया हुआ रहता है। तो आप क्या करते हैं, आप सोचिए एक घर पे आपको एक मिक्सर खरीदना है, ऐसे ही कुछ, तो उसका आप गूगल पे सर्च कर लिए कस्टमर केयर का नंबर, वहां पे आप कॉल किए, कॉल करके बोले कि हाँ ये प्रॉब्लम है या कुछ भी है, या आपके घर में कोई पुराना सामान है जो कि वारंटी में है, प्रॉब्लम आ गया, तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर रहे हैं, तो कस्टमर आप गलत नंबर उठा लिए गूगल से सर्च, गूगल के सर्च में से आप गलत नंबर उठा लिए, अभी उसमें आप कॉल किए, कॉल करने के बाद आप वहां से आपको रिप्लाई दिया जा रहा है कि हाँ हम लोगों का सर्च, हम लोगों का जो पर्सन है वो आपके घर पे जाएगा, घर पे जाके आपका ठीक करके आएगा, होम सर्विस है वगैरह वगैरह सब कुछ। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है आपको, आप तो फोन कर दिए गलत नंबर पे, अभी गलत नंबर से जो आदमी आपके घर पे आएगा कस्टमर, एज ए कस्टमर केयर के वहां से आएगा एज ए सर्विस पर्सन, वो क्या आप प्रॉपर पर्सन होगा? अगर 2-3% आता है आपको लूट के चला जाता है तो आपको, आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा बात है, कस्टमर पे केयर के नंबर पे आपने कॉल किया, कॉल करने के बाद वहां पे, वहां से आपको बोले कि हाँ सर आपका सब कुछ ठीक है, शायद आपका थोड़ा सा ये इसमें उसमें प्रॉब्लम आ गया है, तो आप एक काम कीजिए ₹500 हम लोगों को डिपॉजिट कर दीजिए, हम कस्टमर केयर से, हम जो सर्विस पर्सन है वो जाके ठीक करके आएगा, अगर प्रॉब्लम नहीं रहते तो ₹500 आपको हम रिफंड कर देंगे। आप क्या क्या ₹500 जो है वो उन लोगों को दे दिए, अभी ₹500 तो भाई आपका गया क्योंकि आपने पहले से ही गलत नंबर उठा के रखा हुआ है। तो इससे आप कैसे बचेंगे, आप प्रॉपर वेबसाइट पे जाइए, प्रॉपर वेबसाइट पे जाइए, वहां से कस्टमर केयर का नंबर उठाइए और उठा के उसमें कॉल कीजिए। अगर आप वहां से भी नहीं जा सकते, अगर कोई भी गैजेट या कुछ भी, जैसे मैं मिक्सी बताया, जो भी कुछ है उसका जो पैकेट रहता है, पैकेजिंग रहता है, उसके ऊपर कस्टमर केयर का नंबर बड़े अक्षरों में दिया हुआ रहता है, दोस्तों वहां से कॉल कीजिए, उस नंबर से कॉल कीजिए। गूगल पे सर्च करके जो कस्टमर केयर का नंबर आता है उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। तो ये जो है वो आप थोड़ा सा अगर ख्याल रखते हैं तो आप सिक्योर रह सकते हैं। इसके बाद जो है, आप थोड़ा सा बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करके देख लेते हैं, हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये दवाई है, ये वगैरह है सब कुछ। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, गूगल के सर्च पे जो दवाई आता है वो 99% गलत होता है दोस्तों, ज्यादातर गलत होता है, जो आप के सेहत के लिए डायरेक्ट हानिकारक हो सकता है डायरेक्टली। दोस्तों ये जो कोरोना चल रहा है, कोरोना के चलते गूगल पे आप अगर सर्च करेंगे तो कोरोना का कम से कम आपको 15-20 पेज गूगल का मिल जाएगा, जहां पे आपको एक एक दवाई दिया हुआ है। बहुत सारे कंपनी ने, आप गूगल पे अगर सर्च करते कोरोना का दवाई तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ दवाई निकल गया है भाई मार्केट में, जहां के अभी तक दवाई बना भी नहीं। तो दोस्तों बात ऐसा है कि आंख बंद करके गूगल पे दवाई सर्च मत कीजिएगा, और सर्च करते भी है तो किसी भी ऑथेंटिक पर्सन से इसका जांच कीजिए, उसका कंफर्मेशन लीजिए, किसी डॉक्टर के साथ बात कीजिए, उसके बाद जो दवाई है उसको लीजिए, तो आपके लिए वो शायद सेफ रहेगा। इसके बाद जो है दोस्तों, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका पैसा आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, पर गूगल पे सर्च करके जब रिजल्ट्स आता है, वहां पे किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे, कोई कंपनी गूगल पे सर्च की इन्वेस्ट के लिए, वो आपको दिखा दिया कि हाँ हमारे कंपनी में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, आप हमारे जो प्लान है इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कम से कम 2 साल के अंदर आपको पैसा डबल हम दे देंगे। तो दोस्तों आपने इन्वेस्ट कर दिया, करके 2 साल बाद वो कंपनी भी नहीं, कंपनी का वेबसाइट भी नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों होता ऐसा ही है कि गूगल के सर्च के ऊपर अगर आप आंख बंद करके विश्वास करेंगे ना, तो
आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबने वाला है। हर वक्त गूगल आपको सही रिजल्ट जो है वो नहीं देता है दोस्तों। और इस गूगल सर्च के ऊपर बहुत सारा ऐसा इस सर्च इंजन चलता है जिसमें स्कैमर्स जो है, हैकर्स जो, उनका वेबसाइट पहले आ जाता है। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करने से पहले, आपका जो खून पसीने का कमाई है वो डूबने से पहले, आप इन्वेस्टमेंट का जो वेबसाइट है, जो कुछ भी है, वो अच्छे से जांच ले, परख ले, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें के ताकि आपका जो पैसा है वो सेफ रहे। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा मान के चलिए। इसके बाद जो है, आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके हाथ से निकल सकता है। कैसे दोस्तों? आप कंप्यूटर पे काम कर रहे, किसी भी वेबसाइट पे गए, वहां पे काम कर रहे, वहां पे आपको अचानक से एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया एंटीवायरस का या कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट का, आप बाइक जीत गए, ये जीत गए, वो जीत गए, बहुत सारा आप अगर प्राइज मनी है, ये है, वो है, आप वहां पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके वहां से बहुत सारा पर्सनल डिटेल्स वो लोग मांगेंगे। पर्सनल डिटेल्स मतलब सोचिए, कोई एक मैसेज, कोई एक पॉपअप आया, किसी भी वेबसाइट में आप घुसे हुए, वहां पे आपका पॉपअप आ गया। क्या पॉपअप आया? वहां पे आप 1 करोड़ रुपए जीत गए, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, किसी भी लॉटरी में आप जीते हैं, वो अकाउंट में आपका ट्रांसफर करना है। वो लोग वो 1 करोड़ ट्रांसफर करने के लिए मरे जा रहे हैं कि आपके आपको लेना ही है, वो लेना ही है, लेना ही है, किसी भी तरह आपको लेना ही है। वहां पे फोन नंबर वगैरह वगैरह, ईमेल आईडी सब कुछ दिया हुआ रहेगा दोस्तों। तो क्या होता है, आप वहां पे आप इंटरेस्टेड हो गया कि 1 करोड़ रुपए भाई मुझे मिल गया बैठे बैठे। तो आप उस नंबर पे कॉल किए, वहां से आपको बोला कि आपके पास में ये फॉर्म जाएगा या कोई लिंक जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करके आप अपने पर्सनल डिटेल्स डालिए, डालने के बाद आपका जो है वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। अब जब आप पर्सनल डिटेल्स डालने जा रहे हैं, वहां पे आपके पास क्या मांग रहा है, आपके पास कोई लिंक आया मेल पे, आप लिंक पे क्लिक किए, पहला गलती यहीं पे कर दिए कि लिंक पे क्लिक कर दिए। क्लिक करके आपसे कुछ मतलब कि परमिशंस मांग रहा था, वो भी एसीएस कर दिया। तो परमिशंस देने के टाइम पे आपका जो है आधा जो आपका पर्सनल डिटेल्स है कंप्यूटर में या आपके मोबाइल पे, वो आप किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर कर दिए, तो आपका जो है पर्सनल डिटेल्स पहले ही निकल गया आपके हाथ से। अगर वो लिंक हैकर्स का होता है और स्कैमर्स का होता है तो प्रॉब्लम तो पक्का होना ही है। इसके बाद जो है दोस्तों, इसके बाद वो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो गया किसी भी वेबसाइट में, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वहां पे आपका नाम, फोन नंबर वगैरह, जैसे फिशिंग वेबसाइट में आपका डिटेल्स मांगा जाता है किसी भी, जहां पे आप फॉर्म फिलअप वगैरह करने जाते हैं, तो वैसे आपका डिटेल्स मांग लिया, बैंक का डिटेल्स मांग लिया, बैंक का अकाउंट नंबर मांग लिया, आईएफएससी कोड मांग लिया। अभी दोस्तों क्या होगा, लास्ट में जाके वो लोग आपसे एटीएम का पिन वगैरह ऐसा कुछ बात करके मांग सकते हैं। अगर आप ये इंफॉर्मेशन भी दे दिए तो दोस्तों आपको कंगाल होने से कोई नहीं बचा सकता है, आप पक्का कंगाल होने वाले हैं। क्योंकि आप जो है, आप पैसे के लालच में आके अपना जो भी है वो तीसरे के हाथ में सौंप दिए, अभी वो लोग तो आपको पक्का लूटेंगे ही लूटेंगे। तो दोस्तों, आप यहां से सेफ कैसे रह सकते हैं? ऐसा कोई लिंक्स अगर आता है, सस्पिशियस लिंक्स आता है आपके वहां पे, कोई भी प्राइज मनी आता है, कुछ भी वहां से आपको स्पेशल गिफ्ट वगैरह ऐसा कुछ दिखाया जाता है, तो इस चक्कर में मत पढ़िए दोस्तों। किसी को पड़ा हुआ नहीं है आपको 1 करोड़ रुपए वो ऐसे ही लाके दे देगा, कोई आपको बाइक गिफ्ट दे देगा, कोई आपको ये वगैरह सब कुछ, मोबाइल वगैरह सब कुछ गिफ्ट में दे देगा, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं होता है दोस्तों ऐसे रियल लाइफ में। तो दोस्तों, इससे आप सेफ रह सकते हैं, ऐसा किसी भी लिंक पे क्लिक मत कीजिए, इस चक्कर में मत पड़िए। इसके बाद जो है दोस्तों, आप अननोन बहुत कुछ जानने के लिए गूगल पे सर्च करते हैं। अननोन मतलब आप एडुकेशन से जुड़ा हुआ रह सकता है, आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ रह सकता है, किचन के साथ जुड़ा हुआ रह सकता है, बहुत कुछ है दोस्तों, आपके बाइक गाड़ी ये सब कुछ के साथ जुड़ा हुआ रह सकता है। ये जो
सर्च करते हैं आप, सर्च करने के बाद पे उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या सही होता है? नहीं दोस्तों, वो भी सही नहीं होता है। आप कहीं पे अमेजोन का जो कस्टमर केयर नंबर है, फ्लिपकार्ट का जो कस्टमर केयर नंबर, ये तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा सर्च होता है गूगल पे, अमेजोन का कस्टमर केयर, फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो दोस्तों ये जो है, ये सब डिटेल्स पाने के लिए गूगल आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, फर्स्ट भरोसा होता है। तो दोस्तों ये जो भरोसा का जगह है, इसमें आपको जो आ रहा है वो क्या भरोसेमंद इंफॉर्मेशन है, भरोसेमंद डिटेल्स है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो चीज देख रहे हैं, जो चीज डाउनलोड कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो आप वर्चुअली कर रहे हैं। उसके पीछे कौन बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, आपको पता नहीं। अगर वो प्रॉपर लिंक, प्रॉपर यूआरएल नहीं होता है तो दोस्तों कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग अपना जो मोबाइल पे एप्लीकेशन है वो बाहर से डाउनलोड कर लेते हैं। बाहर से मतलब हम क्या होता है, प्ले स्टोर में जो है ना, प्ले स्टोर से बहुत लोग डाउनलोड तो करते ही है, प्ले स्टोर के बाहर से भी थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन, गेम्स वगैरह डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बंद करके मोबाइल में। तो इसमें जो है, इसमें आपसे बहुत सारा परमिशन मांगा जाता है, परमिशन आप दे देते हैं तो उसमें आपका पर्सनल डिटेल्स जो है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, वो आपका चला जाता है उस एप्लीकेशन को या जो कुछ भी है, स्कैमर से, हैकर से, उनके पास। तो इससे दोस्तों जो है, इससे दोस्तों सेफ रहिए, तो चौकन्ना रहिए। आप ऐसे सस्पिशियस लिंक पे या सस्पिशियस वेबसाइट पे, फिशिंग वेबसाइट पे डायरेक्टली गूगल सर्च करके मत घुस जाइए, और वहां पे आंख बंद करके अपना डिटेल्स मत दीजिए, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आशा करता हूं ये जो इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको बहुत सही तरीके से दे पाया हूं, और अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी कोई भी क्वेश्चन रहता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी ऐसा किसी स्कैम का, ऐसे किसी हैकर के चक्कर में पड़ के अपना बहुत कुछ गवा चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी आप अपने हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, तो जो दूसरे व्यूअर्स हैं जो, वो ये जान पाएंगे और वो अपने से सेफ रह पाएंगे। थोड़ा सा आपका जो एग्जांपल है वो मैं उनको दे पाऊंगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।